तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई लोग आज हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं और फुल 100% बैटरी डेंट टेस्ट भी करने वाले हैं। पोको M2, रियलमी C12, माइक्रोमैक्स इन 1B, माइक्रोमैक्स इन नोट 1। हर एक फ़ोन में मैंने पबजी खेल के फुल बैटरी ऑफ किया हूँ। तो भाई मैं ये बात क्यों बोला कि हर फ़ोन में मैंने खुद पबजी खेल के फुल बैटरी डेंट किया हूँ। अगर भाई आप दूसरे का वीडियो देखोगे बैटरी डेंट टेस्ट का यही मोबाइल का, तो आप उसमें देखोगे भाई 7 घंटा तक चल गया है। वो क्यों चल जाता है भाई, वो लोग पबजी ऑन करके उसमें एक्सपेक्टेड मोड ऑन कर देते हैं। वो खुद नहीं खेला देखते, वो किसी और का खेला देखता है बोल के भाई उसमें बैटरी कम डेंट होता है। अगर आप फ़ोन ख़रीदते हो तो भाई आप देखते हो भाई मेरा इतना जल्दी बैटरी डेंट क्यों हो जाता है भाई, इसलिए वो लोग खुद नहीं खेलता है भाई, किसी और का खेला देखता है। खुद तो मर जाते हैं और पूरा मैच एक्सपेक्टेड करके रहते हैं इसलिए भाई। तो भाई मैं अभी जो बात बोला अगर आपको भाई समझ में आया तो भाई प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि भाई आपको पता है यार एक फ़ोन में 4 से 5 घंटा पबजी खेलना भाई कोई मुंह का बात नहीं है भाई, 20 घंटे लगते हैं भाई। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो भाई, मोटिवेट आएगा। तो भाई मैंने रोजोक का हिल से सैनोक का दलदल तक भाई सब जगह भाई हॉट डॉग किया हूँ। तो भाई आपको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रैंगली खेलता रहा, तो भाई मैंने सब कुछ, सब TDM लेके, क्लासिक लेके, आर्केड लेके सब मैच खेला हो भाई। तो आपको इसमें रियल लाइफ पूरा दिखा दूंगा किसमें इसमें कितना बैटरी रहेगा आप जब गेम खेलोगे। दिस मोबाइल स्पॉन्सर्ड बाई RG सेलुलर्स। अगर भाई आप कोलकाता में रहते हो तो आप RG सेलुलर से ये फ़ोन खरीद सकते हो। तो भाई हर एक फ़ोन में मैंने GFX टूल का यूज़ किया हो, क्योंकि इसमें आपको GFX यूज करके ही खेलना पड़ेगा। जो ग्राफिक्स इसमें प्रोवाइड करता है उसमें आप अच्छे से पबजी नहीं खेल सकते हो, आपका लैग करेगा। तो आप GFX टूल यूज़ करके ही भाई पबजी खेलना। तो भाई ये चारों फोन में मैंने जायरो ऑलवेज रखा हूँ।
तो चारों फोन में फिलहाल भाई मुझे जायरो जिसमें डिले लगा वो है माइक्रोमैक्स इन 1B में मुझे जायरो थोड़ा डिले लगा, जायरो में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिखा। तो भाई ये चारों फ़ोन में मैंने ब्राइटनेस 90% रखा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन है। तो भाई इसका जो सबसे पहले बैटरी डेड हुआ तो उसका रिजल्ट भी शॉक है भाई, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो भाई पबजी खेलने का टाइम मुझे फिलहाल तो कोई फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं दिखा, और हाँ भाई माइक्रोमैक्स में एक प्रॉब्लम दिखा डिस्प्ले में, तो इसका डिस्प्ले मुझे थोड़ा लो क्वालिटी का लगा, टच इशू का आपको प्रॉब्लम आ सकता है माइक्रोमैक्स इन 1B में आपको। तो भाई ये चारों फ़ोन में मैंने बूट का वाटर भी किया, उसमें मुझे लैग का नज़र आया, तो आपको पता ही है भाई अच्छा अच्छा मोबाइल का वो हालत पसली हो जाती है भाई, तो इसमें भी भाई हो गया, इसमें भी आपको बूट का में अगर जब आप वाटर करोगे तो उसमें आपको लैग देखने मिलेगा। तो भाई मैं जो पहले ही बात बोला था मैं आपको और एक बार समझाता हूँ, बहुत जन नहीं भी समझ सकते हैं। तो भाई अगर आप जब गेम खेलते हो तो आपको ज़्यादा बैटरी ड्रॉप होता है, क्योंकि आप वो खुद खेल रहे हो, आप किसी खेला का एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद खेलते हो तो आप सोचिए आपका जायरो काम करता है, आपका स्क्रीन काम करता है, आप बार बार टच करते हो, तो अगर आप किसी का और का खेला देखते हो तो आपका ये काम नहीं करता है, इसलिए आपका बैटरी ड्रॉप कम होता है। अगर आप किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखोगे तो उसमें देखोगे भाई कि 7 घंटा तक इसमें पबजी चल गई ये चारों मोबाइल में, तो ऐसे इसलिए होता है भाई, वो लोग खुद गेम नहीं खेलते, वो जस्ट ऑन कर देते हैं और पबजी अपने आप चलते रखता है। तो भाई मैं ये बात बोलना भूल ही गया कि रियलमी C12 में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है और बाकी तीनों फ़ोन में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है। तो भाई मुझे सबसे शॉकिंग लगा भाई सबसे पहले डिस्चार्ज हो गया पोको M2 4 आवर 35 मिनट का बैटरी बैकअप देखे। तो भाई पोको M2 का बाद माइक्रोमैक्स इन 1B में भी 1 मिनट बाद ही फुल बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो भाई इसमें भी आपको 5000 बैटरी देखने मिलता है और पोको M2 में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने मिलता है।
तो भाई मुझे सबसे अच्छा लगा भाई माइक्रोमैक्स ने भी अच्छा काम किया है बैटरी का ऊपर। 4 आवर 55 मिनट तक कंटिन्यू पबजी खेलने का बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गया। पोको M2 वर्सेस माइक्रोमैक्स इन Note 1, इसमें भाई पबजी किस में अच्छे चलते हैं अगर आपको जानना है तो भाई कमेंट करो, मैं नीचे आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। Realme C12 में फुल बैटरी डिस्चार्ज हुआ 5 आवर 27 मिनट में।